हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और खुशखबरी जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट जॉब छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक के पदों के लिए 2024 के रिगार्डिंग बम्पर नंबर ऑफ सीट्स के लिए। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी और ये छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसी है, बट इसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए उसके रिगार्डिंग हम लोग फुल्ली डिटेल समझ लेते हैं। टोटल पोस्ट आपका 1484 मतलब कि 1484 सीट आपका रहने वाला है। इन सीट्स को डिवीजन बाय डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बिलासपुर डिवीजन के लिए है 355 यानी कि 355, सरगुजा के लिए 295, जगदलपुर के लिए 235, कांकेर के लिए 208, रायपुर के लिए 199 और दुर्ग के लिए आपका 192 रहेगा। तो ये डिवीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी की डिटेल हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए वहाँ पर, फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके थ्रू आउट रीड कर लीजिए। इसके लिए जो अप्लाई डेट है फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 12th of June से, लास्ट डेट आपका 1st of July यानी कि 1 जुलाई फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो 1 जुलाई तक वेट ना करें, जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दे। फॉर्म भरते टाइम जो फी लगता है ना, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 350 यानी 350 रुपया, एससी एसटी से लिया जाता है 250 रुपया। उसके बाद एज की जो लिमिट होती है 18 वर्ष से 40 वर्ष, मतलब 18 to 40 ईयर्स के सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे। आपको पता है कि एज में रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज के लिए, ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है 3 ईयर्स का और एससी एसटी को मिलता है 5 ईयर्स का। तो जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए है 18 वर्ष से 43 वर्ष और एससी एसटी के लिए 18 वर्ष से 45 वर्ष। अब बात करें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, क्वालिफिकेशन सिंपली जिन्होंने भी 12वीं पास कर रखी है, मतलब कि 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से हो आप, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, डजंट मैटर कि 12th में क्या परसेंटेज है, बस पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आगे अभी हम लोग देखेंगे किन किन स्टेज से गुजरने के बाद वन रक्षक के पद के लिए आपका चयन होगा। सेलेक्शन प्रोसेस इज वेरी सिंपल, यू हैव टू क्लियर 3 स्टेजेस। एट फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम ऑफलाइन पेपर होगा, देन आपका फिजिकल होगा, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी दोनों चीज कंबाइन करके फिजिकल होगा। उसके बाद डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, तब जाके आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए फिलहाल हम लोग सेलेक्शन प्रोसेस को इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज पे जो आपका रिटन एग्जाम होता है ऑफलाइन पेपर होता है, फॉर 150 यानी कि 150 प्रश्नों के लिए होती है परीक्षा, 150 नंबर के लिए 150 मार्क्स रहेगा। टाइम विल बी 2 आवर्स यानी 2 घंटे की समय अवधि होगी। निगेटिव मार्किंग भी है, सो बी अवेयर, सोच समझ के ही क्वेश्चन को टिक करिएगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो गई। विषय वाइज प्रॉपर ये नहीं बताया गया किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा, टोटल 4 सब्जेक्ट है इनको कंबाइन करके 150 क्वेश्चन रहेगा। उसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, तो 4 सब्जेक्ट के जो नॉर्मली आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं वैसा ही इसका भी आपका पैटर्न रहेगा। पैटर्न को प्रॉपर अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर का जाइए, सेट उठाइए, पिछले एटलीस्ट 5 से 10 सालों का उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर मॉडल पेपर, जो भी मॉडल पेपर आता है वो सब लेके आप बनाइए। इससे आप गणना कर पाएंगे कि आप कहाँ पे कितना स्कोर कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर छूट रहा है, उस हिसाब से अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट करिए ताकि एक सीट आप अपनी इस बार अचीव कर पाइए। चलिए, तो ये तो हो गई एग्जाम की पैटर्न। उसके बाद क्या होगा, फिजिकल होगा जिसमें कि पीएसटी यानी हाइट टेस्ट की मेजरमेंट और पीईटी यानी वॉकिंग की टेस्ट होगी। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मिनिमम 163 यानी 163 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 150 यानी 150 सेंटीमीटर। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल 79 to 84 मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होगा।
लास्टली आपका पीईटी होता है जिसमें वॉकिंग होता है। 25 किलोमीटर की वॉकिंग 4 घंटे में मेल को कंप्लीट करना है, 14 किलोमीटर की वॉकिंग फीमेल्स को 3 घंटे में कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका फिजिकल। उसके बाद सिंपल सा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो सब डिटेल अपने बारे में बताया है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ज्वाइनिंग लेटर जाएगा, तब आपको एज अ फॉरेस्ट गार्ड छत्तीसगढ़ में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जॉब के दौरान सैलरी क्या मिलती है, स्टार्टिंग में आपकी सैलरी होती है 32,900 और बाद में बढ़ा के 42,400 यानी 50,000 के करीब कर दिया जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। आई होप कि इस पोस्ट की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हो। अब भी कहीं पर कुछ डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करके जाइएगा ताकि सारी नई जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।